नमस्कार दोस्तों, मुक्ता की दुनिया में आप लोगों को स्वागतम। दोस्तों आज हम दिखाएंगे कुछ ऐसा, देखिए मेरा लीली खिला है। ऐसे तो लीली बहुत सारे है लेकिन ये सामने में इतना ही है, यही दिखा दे रहे हैं दोस्तों। एरेलिया का देखभाल कैसे करते हैं, एरेलिया देखिए मेरा इस तरह यहाँ पे है। मैं देखिए मेरा एरेलिया कितना सुंदर है और इसमें कौन सा पौधा चढ़ रहा है देखिए। और देखिए दोस्तों इसका थोड़ा घास उस सब नहीं क्यार हो रहा है। और दोस्तों जानते हैं ये हुआ था क्या, ये पौधा ये गमला तो मेरा बहुत अच्छा था तो मंकी ने आया था, आने के बाद में ऐसे ना कूद का मेरा गमला गिरा दिया। नीचे वाला पर्सन एक बार हम वीडियो में दिखा दिए, नीचे वाला पर्सन उधर रखा हुआ है और ऊपर से पकड़ के इसको ऐसे यह मिट्टी पे लगा दिया गया है और इसी का जो रूट जो है नीचे पकड़ लिया है। तो दोस्तों देखिए मेरा फिर भी ये तो मदर प्लांट है, ये तो मेरा 3 साल हो गया है। इसी में से हम बहुत सारे कटिंग कर किए हैं, वो कटिंग भी हम लगा कर दिखाएंगे दोस्तों। कटिंग भी मेरा तैयार हो गया है और ये देखिए मेरा पेड़ पौधा भी इतना अच्छा हो गया है, इसी में से काट काट के हम लगाते हैं। देखिए कितना अच्छा हुआ है, इस जगह से तो हम ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं, इसको सिर्फ कटिंग करके ले सकते हैं क्योंकि ये जमीन में लग गया है, इसका रूट चला गया नीचे। लेकिन अच्छा है, पानी देते हैं, खाद उद तो कुछ भी नहीं देते हैं दोस्तों। थोड़ा बीच बीच में हम इसको बस इसी तरह कुराई कर देते हैं और इसका रूट तो चला गया नीचे। देखिए कितना अच्छा है, लंबा सा हो गया था लेकिन इसको काट लेते हैं ना दोस्तों, इसीलिए ये इस तरह छोटा है देखने में। अब झाड़ी भी है, भूसी भी है, देखिए कितना अच्छा, कितना अच्छे से है। ये देखिए इसमें से हम काट काट के दूसरा पौधा बनाए हैं। देखिए ये देखिए यहाँ से काटे हैं तो इसमें से चार टूसा निकला है। इसको भी काटे थे देखिए दोस्तों, यहाँ से काटे थे, ये देखिए इसमें से भी निकला। सब में से हम कटिंग करके दूसरा बना लिए हैं और किसी किसी को दिए भी हैं दोस्तों। देखिए इसका हो गया, और एक दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेरा गंधराज है, देखिए गंधराज है, ये छोटा सा लाया था लेकिन ये बढ़ा नहीं तो हम इसको जमीन में लगाए हैं। तो जमीन में इसको थोड़ा देखभाल करना जरूरी होता है, इसको कुछ दिन पहले ही हम जमीन में दिए हैं, थोड़ा कुड़ाई कर देते हैं। ये देखिए कुड़ाई कर देते हैं, इसमें हम दे देंगे थोड़ा सा चाय पत्ती का खाद दे देंगे, अभी थोड़ा ऐसे ही कोड़ देते हैं। ये देखिए दोस्तों ये स्थल कमल है, ये जब लाए थे उस समय तो फूल खिलेगा जैसा लगा था लेकिन आने के बाद तो फूल नहीं खिला, तो इसको हम ग्राउंड में लगा दिए हैं दोस्तों। तो बड़ा हो रहा है पर पता नहीं इसका फूल कब खिलेगा। और देखिए कौन कौन लत्ती से ये मेरा पौधा को खराब कर रहा है, तो हम सोचे इसको थोड़ा सा गुड़ाई कर देते हैं। इसके गुड़ाई में थोड़ा सा देखिए यह इस तरह गुड़ाई कर देते हैं। ये सबको भी तो सेवा करना जरूरी हो जाता है दोस्तों, नहीं करेंगे तो फिर फूल कैसे आएगा। ग्राउंड में देके रखे हैं, ग्राउंड भी सफाई नहीं हो पाता है, क्या करें। तो थोड़ा बहुत तो सब जगह करते हैं दोस्तों। ये देखिए इसको थोड़ा गुड़ाई कर दिए, इसके नीचे से भी इसका
ये टहनी निकल रहा है दोस्तों, अच्छा से हो जाएगा। बाद में इसमें हम कुछ खाद डाल देंगे इसका अच्छा पौधा होने के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये एरिलिया का कटिंग से हम तैयार कर लिए हैं, इसी को अभी हम ये गमला में लगाएंगे। ये देखिए गमला में हम डाल दिए हैं टिकड़ी, इसमें हम मिट्टी डालेंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए मिट्टी थोड़ा तैयार किया हुआ है, और कुछ ऐसे ही मेरा गार्डन का मिट्टी है, और इसमें हम थोड़ा अभी जगह लगा देंगे, बाद में हम खाद डालेंगे। हम इसमें कुछ मिक्स नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मिट्टी पुराना है उसमें है मिला हुआ। अभी हम पौधा को निकालते हैं दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड, हम निकाल के लगा दे रहे हैं, थोड़ा मिट्टी झड़ गया क्योंकि इसका मुंह जो है ना बहुत छोटा था, ये निकाल नहीं पा रहा था, तो इसका मिट्टी थोड़ा थोड़ा झड़ गया। हालांकि हम बचा लेंगे इसको, अभी हम छाया में रख देंगे। उसके बाद में ये जी जाएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखिए कितना आसानी से इसका पौधा मतलब कटिंग से तैयार हम कर लेते हैं, और एरिलिया का ज़्यादा देखभाल नहीं करना पड़ता है दोस्तों। यार इसका पत्ते है ना कितना अच्छा व्हाइट साइड में हो जाता है, अभी तो नहीं हुआ है लेकिन ये हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। और दोस्तों ये ज़्यादा खाद ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, इसका देखभाल उतना नहीं ज़रूरत होता है। आप कहीं से एक टहनी आप अगर थोड़ा सा ले लेते हैं और आप लगा देते हैं दोस्तों, फिर इसका उतना मतलब तुरंत तो इसका रूट नहीं निकलता है, थोड़ा टाइम लगता है। मेरा ये 5-6 महीना हो गया, फिर भी रूट पूरा क्लियर नहीं आया था, एक ठो में आया था, एक ठो में कम आया था। और दोस्तों ये इस तरह ये लगा देने से बहुत सुंदर ये लगता है, इसका पत्ता का डिजाइन कितना अच्छा है देखिए, एकदम दिल के जैसे निकल आता है बाद में, और साइड में कितना अच्छा कर ऐसे ऐसे कटिंग 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 आ जाता है, बहुत सुंदर। वो पहले वाला में तो आप देखे ही हैं दोस्तों, और इसका ये ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं होता है दोस्तों, और मिट्टी भी उतना खाद माने जरूरत माने बहुत सारे मिट्टी में जो मिक्स कीजिएगा बहुत सारे खाद ऐसा भी ज़रूरत नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह आप लोग लगा सकते हैं, और इसको कहीं से मांग के लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है दोस्तों, और इसका केयर बहुत कम लगता है, बस खाली दिल चाहिए एक लगाने के लिए, मन चाहिए। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, नए लोग जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा दोस्तों एरिलिया के बारे में, मेरा मदर प्लांट कितना अच्छा भूसी था, और ये जो इसको लगाए हैं दोस्तों इसके बारे में भी बताइएगा। और वाचिंग के लिए थैंक यू दोस्तों।